नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जलगांव जिले के भुसावल तहसील के कुरैशी हॉल में दोपहर करीब 1 बजे समुदाय में बरकत वाला निकाह हुआ। जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिन पहले सद्दाम शाह मुख्तार शाह उम्र 22 साल दुंडाईचा निवासी का रिश्ता रुखसार बी लुकमान शाह उम्र 18 साल भुसावल निवासी के साथ तय हुआ और आज 20 फरवरी मंगलवार को उनकी सगाई होना तय की गई थी, पर लड़की वालों के जिम्मेदार हाजी रहीम, ठेकेदार कयूम जनाब शगीर शाह और लड़के वालों के जिम्मेदार सलाम शाह, एजाज शाह, जमील शाह और अन्य सभी रिश्तेदारों ने घर वालों को सगाई ना करते हुए सीधे शादी करने की सलाह दी और दोनों परिवार की सहमति से तय किया गया कि आज के इस प्रोग्राम में रिश्तेदारों की उपस्थिति सीधे शादी की जाए और सभी की सहमति से फौरन निर्णय लिया गया और दोपहर करीब 2 बजे इस्लामी शरीयत के मुताबिक मौलाना अतीकुर रहमान गुलशन तैयबा मस्जिद इमाम ने निकाह को संपन्न किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए दुल्हा दुल्हन के माता पिता व रिश्तेदारों का बड़ा सहयोग रहा। वहीं उन्होंने सभी मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि सभी मुस्लिम समुदाय ऐसे ही निकाह को आम करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बीके टाइम न्यूज़ लाइव और सब कभी मौजूद है कुरैशी हॉल के अंदर और यहाँ पर जो है एक मंगनी करने के लिए कुछ रिश्तेदार आए थे। यहाँ पर मंगनी का प्रोग्राम था और अभी जो है यहाँ पर ये जो मंगनी है शादी में तब्दील हो गई है। इस वक्त हमारे साथ में जो है मस्जिद के इमाम है, आइए हम उनसे जानते हैं कि मामला किस तरह हुआ। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम हफीज़ अतीकुर रहमान गुलशन तैयबा खतीब व इमाम। आज ऐसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हाजी रहीम साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, यानी इन्हीं की भतीजी की मंगनी थी जो तकरीबन 12:30 बजे तक मंगनी ही का प्रोग्राम के हवाले से मुझे बुलाया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहीम हाजी साहब और हमारे अब्दुल सलाम साहब डोंडाइचे वाले, जिनकी बहुत ज़्यादा कोशिश रही जो लड़के वालों की तरफ से थे और हमारे रहीम हाजी साहब लड़की वालों की तरफ से थे, इन दोनों ने फैसला किया कि क्या ही अच्छा हो कि इस मंगनी को निकाह में शिफ्ट कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बड़ी काविश रही दोनों की और अल्हम्दुलिल्लाह जो मंगनी होने वाली थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त निकाह में तब्दील होकर निकाह हो चुका है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि हुजूर फरमाते कि सबसे अच्छा निकाह वो है जो सादगी के साथ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुशी और मसरत हो रही है कि जो 12:30 को मंगनी होने वाली थी वो 1 बजे अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हमारी कौम को सादगी के साथ और जिस तरीके से आज निकाह हुआ इसी तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। आई थी जो प्रोग्राम मंगनी के ना हो और रख दो हो जाए करें, ताजगी में निकाह करना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं तो बहुत अच्छा। हाँ, क्या बोलेंगे इस बारे? हम आए थे मंगनी करने, अपन बड़ों का सलाह मशवरा हुआ, उनके जरिए से मंगनी करने आए थे अपन, मेरा निकाह हो चुका है। दोनों बिरादरी के हालात को देखते हुए इस मंगनी को निकाह में तब्दील किया गया है। अल्लाह इस निकाह को कामयाब अता फरमाए और हर मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश है कि इसी सादगी के साथ निकाह करें ताकि हमारे जो बहन बेटियाँ रिका में बैठे उनके भी वहाँ पैगाम है और इसी सादगी से उनका निकाह हो। बस इतना बोल के मैं 2 लफ्ज खत्म करूँ। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान। वह आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8600880230।